Hi guys, ये कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है. दिस इज़ समथिंग जो मैं कहना चाहती थी आप लोगों से. बहुत ज़रूरी लगा मुझे, हालांकि मैंने अपने अंग्रेजी चैनल पे इस पर लाइव भी किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन की सेंसिटिविटी को देखकर कि अगर 600 लोग भी हैं जो इस चैनल पे मुझे देखते हैं, सॉरी, तो मुझे थोड़ा सा बताना चाहिए उनको. इस समय जो कंट्री की सिचुएशन है, पूरे वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, एक सेंस ऑफ फेयरनेस हम लोगों के अंदर आ गया है, डर आ गया है. हालांकि डर अच्छा भी है, अगर आप रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको डर की जरूरत पड़ रही है और आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आई थिंक वो तो मेरे लिए एक विन सिचुएशन है. तो COVID-19 कोई दोस्तों मजाक नहीं है. अपना प्लीज ध्यान रखें. जितनी भी कंट्रीज में सीवियर केसेस हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे सिटीजन सुनते, सोशल डिस्टेंसिंग करते, तो सिचुएशंस जो हैं वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी. और अगर आप अपने बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने लव्ड वंस के बारे में सोचें, क्योंकि ये ऐसी डिजीज नहीं है कि छूने से नहीं फैलेगी. अगर आप ड्रॉपलेट्स जो हैं, इसका प्रायर जो रीजन है जिससे ये फैलता है, अगर आप छींकते हैं और आपकी जो ड्रॉपलेट्स, थोड़ा सुनने में आपको वियर्ड लगेगा, लेकिन उन ड्रॉपलेट्स से ये फैल सकता है. खांसते हैं अगर, माउथ अगर आपका कवर नहीं है, हर आधे घंटे में हाथ धोएं, बहुत जरूरी है गाइस. और कोशिश करें कि, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा होगा, किस एज ग्रुप को कम होगा, हालांकि इसमें बहुत सारे डेटाज अभी आते रहे हैं, बहुत सारे डेटा आ रहे हैं कि इस एज ग्रुप में ज्यादा है, उस एज ग्रुप में ज्यादा है, लेकिन प्लीज आपको नहीं पता. ठीक है, आप बने हुए होंगे लोहे के, लेकिन ऐसा नहीं है कि COVID-19 का वायरस आपसे टकराएगा और वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, और आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके बहुत नजदीक हैं, आपके करीबी हैं. उन लोगों के बारे में अगर आप सोचेंगे, तो शायद आप उन प्रिकॉशंस को फॉलो करें जो कि कही गई है, और कोशिश करें कि बाहर ना जाएं अनलेस आटा, चावल, दाल, बहुत जरूरी आइटम आपको लेने हैं. इस समय आप गेट टुगेदर्स को स्किप कर सकते हैं. इतनी सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही हैं और मैं भी वही कर रही हूं, तो कुछ मुश्किल नहीं है गाइस. ये एक ऐसा टाइम है जो अगर हम साथ में मिलके इसको करेंगे, तो ये भी अच्छे से गुजर जाएगा. दिस शैल पास टू. ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा. और अगर आप इसको नॉन सीरियस होकर लोगे, नहीं फॉलो करोगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो केसेस के बढ़ने की जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा. तो कोशिश करें कि ना करें ऐसा कुछ भी. और मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ये है कि हम तो बाहर नहीं जा सकते, हम बोर हो रहे हैं घर में. अभी ये बोर गाइज ये कोई वो नहीं चल रहा है. ठीक है, कि आपको जबरदस्ती नहीं रखा है घर पे बंद, इसलिए रखा है क्योंकि हमारी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, हमारी रक्षा करने के लिए और हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमें घर पे रख रहे हैं. ठीक है, और ये जो मैं फेस अभी टच कर रही हूँ, डोंट वरी, मैंने अपना फोन और अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज किए थे वीडियो बनाने से पहले. तो ध्यान रखिए कि बार बार आप अपने फेस को ना छुएं. ठीक है, हाथ धोएं, हर आधे घंटे में हाथ धोएं. और अगर आप बोर हो रहे हैं, तो मैंने हालांकि अपने लाइव में बताया था, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिस पे आप एंजॉय कर सकते हैं. नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, नहीं भी है तो यूट्यूब तो फ्री है यार सबके लिए. 1 GB डेटा सबके पास है आजकल. आपके पास, अगर आप ये मोबाइल देख रहे हो, आप ब्लेस्ड हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है. थिंक अबाउट द पीपल जिनके पास, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं. और आई एम सो हैप्पी कि ऐसे भी कई सारे लोग हैं, इवन इन माई लोकेलिटी एक कोई पर्सन है, ही इज अ डॉक्टर, और वो ऐसे लोगों को फ्री में सब्जी, फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं. और मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग इस चीज को प्रोत्साहित करें, उतना अच्छा है कि आप ऐसे लोगों की मदद करें जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग ऑफकोर्स जरूरी है. आपको अपने घर वालों से सोशल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत है. तो इसलिए ध्यान रखें कि उनके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें. और बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं. ये टाइम है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. बुक्स पढ़ लो यार, ऑनलाइन ऑडियो स्टोरीज होती हैं वो देख लो. और बच्चे, मुझे पता है हमारी कॉलोनी में तो बच्चे बड़ी जिद कर रहे थे, मेरे पापा बता रहे थे कि बच्चे तो सुन ही नहीं रहे कॉलोनी के, कि उनको तो जाना है पार्क में खेलने के लिए. उनको
वो चाहते हैं कि वो अलग अलग जगहों पर जाएं और वो नहीं सुन रहे हैं। तो सोल्यूशन यही है कि आप उनको ऑडियो स्टोरी सुनाएं, कुछ ऐसा घर पे ही ऐसा कुछ दे दें उन्हें जिनसे उसका जिससे उनका मन लग जाए। आप कुकिंग सीख लो, आप चाहो तो बुक कर लो घर पे एक एरिया क्लीन करके, वहां पे साफ मैट बिछा के सुबह योगा कर सकते हो आप, है ना, और घर की सफाई कर लो, बहुत थेरेप्यूटिक होता है, मुझे तो पसंद है। ठीक है, तो आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आपका मन थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो। आई नो कि ये ऐसा कोई समय नहीं है जहां पे हम अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करें, लेकिन घर में बैठे बैठे भी इंसान थोड़ा सा एंग्शियस हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको लगेगा हमें एक स्लेव की तरह बंद कर दिया है, तो वैसी फीलिंग आ सकती है, काफी नॉर्मल है इतने सारे दिनों में। तो इसलिए आप ये सारी चीजें करें, आप नेटफ्लिक्स कर लो, यूट्यूब तो फ्री है, आप किसी भी क्रिएटर को देख लो, मैं ये नहीं बोल रही मुझे देखो, ठीक है। दूसरा, जहां तक बात रही कॉन्टेंट की, मैं बैक एंड फोर्थ रही हूं उसके मामले में, क्योंकि कभी मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं जो बोर हो रहे होंगे घर में और जिनको लग रहा होगा हमारे पास कुछ करने को ही नहीं है, और वो एंग्शियस हो रहे होंगे, क्योंकि आप दिन में दो टाइम तो एटलीस्ट खाते ही हो, एट लीस्ट बोल रही हूँ, कई लोग तीन टाइम का भी मील्स लेते हैं, तो एनर्जी क्योंकि बॉडी में बन रही है और वो एनर्जी कहीं बर्न नहीं होती, तो कई बार आप कैसे बताऊं, मतलब हो जाते हो एंग्शियस, हो जाते हो, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए कह रही हूं कि आप किसी भी क्रिएटर को देखिए जो आपको पसंद है। मैं इस मामले में थोड़ा सा आगे पीछे कर रही हूं अपना मामला, मुझे समझ में नहीं आ रहा बनाऊं नहीं बनाऊं, क्योंकि मेरा एक्चुअली बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं कंटेंट बनाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि रियली मैं मेकअप और स्किन केयर के बारे में बात करूंगी इस समय कितना फनी लगेगा एक्चुअली, कि सब सोचेंगे कि ये कोई टाइम है इस चीज के बारे में बात करने का, और विच इज ट्रू, मुझे खुद से भी लगा और मेरा मन तक नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैं शायद ये वीडियोज बना दूं कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो मे भी शायद मैं उस बारे में वीडियो बनाऊं। और मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लिए थे कब, ये सब शुरू होने से पहले, तीन प्रोडक्ट्स लिए थे बस, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खरीदा ऑनलाइन। उसका सीधा रीजन ये है कि जो लोग डिलीवरी देने आते हैं उनकी लाइफ भी स्टेक पे होती है, ठीक है, और दूसरा मुझे लगा कि इस समय शॉपिंग करना कोई ना दिमाग वाला काम नहीं है, ठीक है, और मेरे को एज एन इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर, आपको जो भी कहना है, ज्यादा प्रोत्साहन भी नहीं देना चाहिए उसका, ठीक है। तो अगर कोई वीडियो ऐसी आती भी है तो वो पहले ही मैंने शूट करी थी, अब मैं क्या करूं, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा सच में ट्रूली, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव नहीं हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं कंटेंट को बनाने के लिए, लेकिन ये सिचुएशन मेकअप और स्किन केयर के बारे में बात करने की नहीं है। हालांकि मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसी वीडियोज लाऊं जो कि आपको थोड़ी देर एंटरटेन कर ले और ये सब जो चल रहा है उससे थोड़ी देर का एस्केप दे दे। और यकीन मानिए जब मैं ये कहती हूं कि मैं अपने लिए कोई अवसर नहीं ढूंढ रही हूं इस क्रिटिकल सिचुएशन में कि अरे चलो मेरा कंटेंट देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और चीज मुझे कहनी थी गाइस, प्रे करना प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास करना बहुत गलत बात है। वन ऑफ द रीजंस दैट आई लॉस्ट माय ब्रदर इज दिस ओनली, आई लॉस्ट हिम बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन। आई डू नॉट वॉन्ट टू एनकरेज यू ऑल टू डू समथिंग विच यू थिंक माइट वर्क बट इट इज एक्चुअली कम्प्लीटली सुपरस्टिशियस, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रे आप कर सकते हो, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप मास्क नहीं पहन रहे हो, आप हाथ नहीं लगा रहे हो चेहरे पे छींकते समय, या हैंकी नहीं रख रहे हो और ऐसी खुलेआम छींक रहे हो, है ना, और उन्हीं हाथों से आप लोगों को छू रहे हो, आप ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। और अगर आप देखें और कोशिश करें अपनी फैमिली में कि जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं अगर वो कहीं जाना चाहते हैं, कुछ लाना चाहते हैं अपने लिए, तो आप उनके लिए वो काम कर दें। तो यही जरूरी बातें मुझे कहनी थी। प्लीज गाइज, मैं नीचे एक वेबसाइट भी दे दूंगी जहां पे आप जाकर सारे मिथ्स वगैरह पढ़ सकते हैं, बहुत सारे मिथ्स भी इसको लेकर फैल रहे हैं, तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। आई होप आप सेफ हों जहां भी हों, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।